कई साथी मेरे पास अभी खड़े थे, बोला जेपी साहब कितनी सीट आ जाएंगी। मां मना इनका गठबंधन का कोई जीतता नहीं दिखा है। कड़िया ब्यों तो भाई मनोहर लाल खट्टर से लेकर के उनके संतरी मंत्री का देख ले, तारा रड़क रारियो मारी तो गई निकड़े। हम और 5 साल बाद देख लेंगे हुड्डा साहब तो। लेकिन मित्रों, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को छोड़ा था, उसको मिट्टी में मिलाने का काम इस गठबंधन सरकार ने किया। तो यह नौजवान भाई हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे साथी हैं, मैं तो बुटो मामा लागे नहीं, मामा का छोरा एमपी साहब, ये मेरा रिश्तेदार भी है और मेरा मामा, और तो मामा कहूंगा फिर कहूंगा भाई, ऊपर आना पड़ेगा सब नाम ले, ये आप बोलिए। तो ये 30-35 आदमी गुस्सा करके बीजेपी से बसपा में चले गए और आज ये आपके साथ देने के लिए सारे के सारे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ जेजेपी के भाई, उनमें कुछ कर्मचारी थे, बोले नाम उजागर ना करो, हमने कर लेते मिलवाए थे, मिलवाए जाएंगे। तो यानी कि क्यों मिल रहे हैं भाइयों ये लोग, आपने तुलना करनी है, नौजवान छांटना है, हमारे पास सारे नमूने हैं, नौजवान छांटना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को छांटो। क्या हुड्डा साहब नाराज हो जियो, क्योंकि आज ताकत तो आखिर में नौजवानों को देनी है और नेता आपका वो, तो इसलिए अब इसके बाद एमपी साहब की बात सुन के आप जो साइकिल यात्री है, दीपेंद्र सिंह जी आपको यहां से रवाना कर देंगे और इनको फिर हम आगे भिजवा देंगे, इन्होंने आके फिर कार्यक्रम में ये पढ़ने से दे दे भाई, एमपी साहब इन्हें सारे अनाज पक्के कर दे मारा मामला ने। तो यही बात कहनी थी, छोटू राम जी ने कहा था, है भोले किसान मेरी दो बात मान ले, बोल ना ले चीज दुश्मन पहचान ले, बोलन सारे जानो हो लेकिन जी कह के सलीके से बोलोगे आपका नाम रोशन रहेगा।